रूफटॉप कैनल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो आज मैंने कोशिश कर रहा हूँ अपने कैनल को दिखाने की और उसे एक्सप्लेन करने की। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली दिक्कतों से रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हम अपने इस चैनल को आपके लिए और भी बेहतर बना सकें। समर्स के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कूलिंग। हमने अपने कैनल्स के अंदर कूलर्स लगाए हुए हैं, लेकिन आप कूलर्स का ध्यान देंगे तो कूलर्स की जो हाइट है वो डॉग की हाइट के आसपास ही है ताकि जो कूलिंग हो वो डायरेक्ट हो और डॉग का जो कैनल है वो बहुत ज़्यादा ऊँचा ना हो, 6-6.5 फीट से ज़्यादा ऊंचा ना हो, क्योंकि क्या होता है कि कूलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस होने पे कूलर्स एफिशिएंट काम नहीं करते। देखिए, इस कैनल की मैं ख़ास बात बता दूं कि ये कैनल दो चीज़ों से बना हुआ है, एक इनर पोर्शन और एक सेमी आउट पोर्शन। इनर पोर्शन का मतलब ये है कि ये जो अंदर की तरफ जाली लगी हुई है इससे आप इस कैनल को हाफ बना सकते हैं, इसके गेट्स को क्लोज करके विंटर्स के अंदर इसे छोटा बना सकते हैं। डॉग जहाँ बैठा हुआ है वहाँ एक छोटा सा ऊंचा पोर्शन है। अगर आप कैनल को क्लीन भी करना चाहते हैं तो आप क्लीन करेंगे तो नीचे वाले पोर्शन को क्लीन करते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन गीला नहीं होता। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप कैनल क्लीन कर रहे हों और डॉग का पोर्शन अगर आप उस टाइम गीला ना करना चाहते हों तो आप पर्टिकुलर पोर्शन पे क्लीन कर सकते हैं, या फिर अगर डॉग उतर के यूरिन करना चाहता है तो वो यूरिन पूरे कैनल में नहीं फैलता, स्टेप बाई नीचे आ जाता है। देखिए, दूसरी साइड का एक और कैनल है, उस कैनल की भी सेम पोजीशन है जैसे इस कैनल की है। इस कैनल के अंदर एक अपना एक छोटा गेट है जिसे हम बंद करके इसको हाफ कर सकते हैं। साइड में भी वेंटिलेशन के लिए छोटी खिड़कियां दी हुई हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। देखिए, मैंने इसके अंदर के गेट को बंद कर दिया तो ये कैनल हाफ हो सकता है। इसको इस तरह से बंद करके हम इस पर बड़ी वाली चिक डाल के सर्दियों के लिए भी हम इसको छोटा कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। अभी ये ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर डॉग अंदर कूलिंग में भी बैठ सकता है और बाहर भी आ सकता है। जब डॉग रात के टाइम पे जब कूलिंग ज़्यादा होने लगती है तो डॉग निकल के बाहर बैठ जाते हैं। आप देखते हैं दूसरी साइड का पोर्शन, देखिए इसमें धूप भी आती है। कैनल के अंदर मेन चीज़ होनी चाहिए धूप आनी चाहिए, इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है। कैनल के अंदर एक चीज़ आपने और देखी होगी, छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है, वो एक सोलर फ़ैन है। हमने कोशिश की है कि स्टैंड बाई सप्लाई देने की, अगर बाई चांस सप्लाई नहीं आती है और ऐसे केसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर आप सोलर पैनल्स लगाते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है पूरे दिन सप्लाई लेने का और ऐसे टाइम सप्लाई लेने का जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जैसे रात के टाइम आपके पास बैटरी चार्ज है तो आपके अपना सोलर फैन यूज़ करके इससे एयर सर्कुलेशन बनाए रख सकते हैं ताकि डॉग आपके कैनल में रहे तो बहुत अच्छी तरह रहे। ये आउटर पोर्शन है जिसके अंदर हमने बाहर डॉग के घूमने का पोर्शन बनाया हुआ है। देखिए, डॉग को हर तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, इनर पोर्शन भी चाहिए, आउटर पोर्शन भी चाहिए और सेमी आउट पोर्शन भी चाहिए। देखिए, डॉग कैनल की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने ग्रीन ये ऊपर पर्दा लगाने के लिए भी रखा हुआ है ताकि अगर बाई चांस धूप ज़्यादा है तो हम इसको खींच कर नीचे छाया कर सकते हैं। देखिए, अभी डॉग को हमने बाहर छोड़ा हुआ है, ओपन एरिया में छोड़ा हुआ है। दिन में कम से कम 2 बार डॉग्स को ओपन एरिया में छोड़ना चाहिए ताकि उनको एक्सरसाइज मिले। और दूसरी बात है कि डॉग का मोरल, डॉग की साइकोलॉजी बहुत इम्प्रूव होती है। जो डॉग अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं उनकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, उनके अंदर उनकी हेल्थ अच्छी होती है और डॉग चिड़चिड़े कम होते हैं। इस तरह की अगर आप एनवायरनमेंट में रखते हैं डॉग को तो डॉग बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत अच्छा आपके साथ रिस्पॉन्स करते हैं और आगे चल के प्रोडक्शन में भी काफ़ी उनका फ़ायदा होता है। डॉग की हेल्थ के लिए भी उनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आप एक ऐसे एरिया में डॉग को रखते हैं जहाँ पे हल्की फुल्की धूप भी आती है, समर्स में मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल धूप में निकाल दीजिए, हाँ अर्ली मॉर्निंग की धूप और लेट इवनिंग की धूप में आप डॉग्स को बाहर निकालें, हल्की फुल्की धूप हो उसमें आप डॉग को बाहर निकालें। विटामिन D3 डॉग को स्किन के थ्रू मिलती है और डॉग को एक्सरसाइज मिलती है, डॉग बहुत खुश होते हैं, इससे इनके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
एक चीज़ आपने और देखी होगी कि डॉक की कैनल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि ये रूफ टॉप कैनल है और इसको बार बार जाके विजिट करना, डॉक क्या कर रहे हैं, डॉक की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डॉक खुद महंगे होते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि डॉग सिक्योरिटी में यूज़ होते हैं, लेकिन डॉग कहीं चोरी ना हो जाए, कोई इनको कोई ऐसी चीज़ ना खिला दे जिससे आपको डॉग का लॉस हो जाए। तो हमने अपने इसको ऊपर विजिल रखने के लिए, देखने के लिए हमने इसका जो मॉनिटर है वो अपने किचन में लगाया हुआ है, क्योंकि लेडीज़ हमेशा किचन में रहती हैं तो वो आते जाते देखती रहती हैं डॉग कहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए इस कैनल में आप देख सकते हैं कि डॉग अपने अंदर वाले पोर्शन में आराम कर रहे हैं, इसके साथ में बाहर की जो बगल के पड़ोस की जाली भी दिख रही है, इससे पता चल जाता है कि कोई वहाँ से आ जा तो नहीं रहा, कुछ काम तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर वहाँ से आने की एंटर करने की कोशिश कर रहा हो। कैमरा एच सच लगाने से ही काफ़ी लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने से। दूसरी बात ये रहती है कि आपको पता चलता रहता है कि भाई आपके फ़ैन चल रहे हैं नहीं चल रहे, कूलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, डॉग परेशान तो नहीं हो रहे, डॉग इधर उधर भाग तो नहीं रहे, डॉग की क्या कंडीशन है। तो सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए अगर आपने रूफ टॉप कैनल बनाया हुआ है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपने कैनल में कैमरा ज़रूर लगाएँ, और इसका फीड आप अपने मोबाइल पर भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप ऑन द मूव हैं, कहीं बाहर हैं, तो वहाँ पर भी आप बैठ के देख सकते हैं। मेरे मोबाइल के अंदर मेरे कैनल का फीड है, तो मैं कभी भी अगर मैं अपने ऑफिस में भी होता हूँ तो मैं अपने ऑफिस में खोल के देख सकता हूँ कि भाई मेरे डॉग की क्या कंडीशन है, वो सो रहे हैं, जग रहे हैं, या उनके वहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, तो क्या कंडीशन है। आप इस मॉनिटर को ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पर आप आसानी से आते जाते उन्हें देखते रहें। हमेशा मॉनिटर के सामने बैठना तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप ऐसी जगह मॉनिटर लगाएं जहां पे आपकी अक्सर नज़र पड़े, तो इससे क्या होता है कि आप डॉग पर बेहतर नज़र रख सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें आप अपने कैनल के अंदर लगा सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बेटर से बेटर रिज़ल्ट मिल सके। मैंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं और मैं आए दिन अपने कैनल के अंदर इम्प्रूवमेंट करता रहता हूँ। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक